दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि थ्री फेस वैक्यूम प्रेसिंग टेबल का कनेक्शन कैसे होता है। तो इस कनेक्शन के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि अगली वीडियो बने तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं कि थ्री फेस वैक्यूम प्रेसिंग टेबल का पूरा कनेक्शन मैं आपके लिए बताना चाहता हूं। आप देखिए, जैसे हमारे बोर्ड पे पहले से ही मैं कुछ बना रखा हूं, तो आपको मैं एक बार समझा देता हूं। यहां पे हमारा टीपीएन थ्री फेस एमसीबी लगा हुआ है और यहां से हम तीन फेस एक न्यूट्रल ले गए हैं। तो आर वाला फेस हमारा जाके एक फ्यूज का कनेक्टर होता है उसमें लगता है। फिर वाई फेस उठाया हूं, दूसरे फ्यूज पे कनेक्टर पे लगा दिया हूं। फिर ब्लू वाला फेस उठाया हूं, यहां फ्यूज पे लगा दिया हूं। फिर एक न्यूट्रल ले गया हूं, जो एक यहां पे कनेक्टर लगा होता है ये उसमें लगा दिया गया है। अब आपको मैंने तीन फेस एक न्यूट्रल का पूरा वायरिंग बता दिया। अब आपको ये दिखाना चाहता हूं कि फिर आपको फ्यूज के बाद क्या करना है। तीनों फेस फ्यूज पे चले गए, अब फ्यूज से हमें दो फेस निकालना है, रेड और येलो। रेड येलो को फेस उठाएंगे, अब आप सीधा लगाएंगे रोकर स्विच। यहां पे रोकर स्विच लगा हुआ है, ये लिखा हुआ रोकर स्विच। फ्यूज से आउट करेंगे दो फेस उठाएंगे, आप डालेंगे रोकर स्विच। फिर रोकर स्विच के में चार पोल होते हैं, चार पोल में आप दो पोल जो ऊपर का साइड होगा उसमें आर वाई फेस का कनेक्शन करेंगे। चलो मैं फेस पे आर वाई कनेक्शन कर दिया। फिर रोकर स्विच के नीचे दो पोल पे जाएंगे तो वहां से आर और वाई को यहां पे एक कनेक्टर लगा होगा उस पर आपको कनेक्शन कर देना है। ये आपका कनेक्शन पूरा हो गया रोकर स्विच से। जब हम रोकर स्विच दबाएंगे तो हमारी सप्लाई इन दोनों कनेक्टर में दो फेस की सप्लाई जाएगी। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि कॉन्ट्रेक्टर का मोटर से कनेक्शन कैसे करें। अब आपको मैं कॉन्ट्रेक्टर का कनेक्शन बता रहा हूं। तो फ्यूज से ही एक वायर आपका फ्यूज से जो आउट हुआ है, तो फ्यूज से आउट का आपका एक वायर यहीं से कनेक्ट होके आपका यहां पे लग जाएगा। अब एक वायर जो आपका बचा हुआ है, दूसरा वायर एलो, आप पूरा देखिए, दूसरा वायर आपका एलो यहां से उठेगा आपका यहां लग जाएगा, दो फेस हो गया। अब तीसरा वायर बच गया आपका ब्लू फेस, आप यही फ्यूज से आउट होके सीधा आप उठाएंगे यहां से, तो ये आपका कॉन्ट्रेक्टर को तीनों फेस की सप्लाई मिल गई। अब कॉन्ट्रेक्टर को होल्ड कैसे करना है, तो सबसे पहले ये जानना होगा कि कॉन्ट्रेक्टर को होल्ड करने के लिए वैक्यूम टेबल को नीचे पैडल स्विच लगा होता है। पैडल स्विच जब पांव से दबाओगे तब आपका ब्लोअर चलेगा। तो मोटर को चलाने के लिए अब कॉन्ट्रेक्टर की यहां पे तीनों फेस आ गया है, तो उससे आउट हम तीनों फेस मोटर पे कर दिए हैं। अब जब कॉन्ट्रेक्टर होल्ड होगा, इस कॉन्ट्रेक्टर पे आपको सिंगल फेस की सप्लाई 220 वोल्ट की सप्लाई देनी होगी। अब इसकी सप्लाई कहां से आएगी, तो आपको मैं फिर बताना चाहता हूं कि आप रेड वाले वायर से उठाएंगे, जो यहां पे कनेक्टर लगा हुआ है इससे तार उठाएंगे सीधा आपको यहां पे दे देना है। ये आपका पैडल स्विच होगा, फिर पैडल स्विच से आप ये वायर उठाएंगे यहां से, पैडल स्विच से वायर उठाए आप सीधा लाके यहां पे दे दे कॉन्ट्रेक्टर के सप्लाई को फेस दे दिए। अब आपको इसके बाद न्यूट्रल लेना है, न्यूट्रल के लिए आप सीधा यहां से न्यूट्रल ले लेंगे,
किसी भी पॉइंट से एक न्यूटन उठाए और आप सीधा कॉन्टेक्टर से न्यूटन दे दीजिए। ये आपका कॉन्टेक्टर का काम पूरा होगा। जैसे आप पैडल स्विच दबाएंगे वैसे कॉन्टेक्टर को आपको फेस मिलेगा, न्यूट्रल आप यहां से दे रखे, आपका मोटर ऑन हो जाएगा। तो आपका ये मोटर का पूरा कनेक्शन हो गया। अब चलते हैं, आपको जो आपके टेबल पे हीटर लगा होता है अंदर जहां पे कपड़ा प्रेस करते हो, उस हीटर का कनेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा, ये आपका हीटर है और एक यहाँ पे थर्मोस्टेट में बना रखा हूं। तो सबसे पहले आप इस हीटर को यहां से आप इसको न्यूट्रल दे देंगे, न्यूट्रल दे दिया दोस्तों। अब आपको यहां से जो जो आपका वाई फेस है, इस वाई फेस से यहां से आपको एक सप्लाई उठानी पड़ेगी और आप सीधा थर्मोस्टेट के एक नोब पे दे देंगे। अब थर्मोस्टेट को दूसरे से आउट करके आप सीधा यहां कर देंगे। आपका हीटर का कनेक्शन बिल्कुल हो गया। अब इसको आपको कितना सेट करना है टेम्परेचर, वो आप से यहां सेटिंग कर देंगे। तो दोस्तों आपका हीटर कनेक्शन हो गया, मोटर का कनेक्शन हो गया। अब चलते हैं सीधा आपको प्रेस का कनेक्शन कैसे करना है। तो प्रेस के कनेक्शन के लिए हमें चार वायर चाहिए, चार वायर उसमें लगी होती हैं। तो पहले हम यहां से चार वायर निकाल लेंगे। एक हम यहां से निकालेंगे, एक तार ले गए हम न्यूट्रल और एक तार हम ले आए फेस। यहां से ये आपका हो गया दो तार और एक तार हमें लाना पड़ेगा सोलनॉइड वाल्व से लिए, दो तार। अब दो तार का कनेक्शन कैसे होगा, अब आपको यही दिखा रहा हूं। आप सीधा चलेंगे, फेस न्यूट्रल आ गया आपका, ये हो गया आपका एल और ये आपका हो गया न्यूट्रल। तो फेस न्यूट्रल हम यहां ले आए आपके प्रेस का कनेक्शन। आप इसको चलाने के लिए डायरेक्ट आप ये यहां से उठाएंगे फेस और ये आपको थर्मो स्टेट पे देना है। थर्मो स्टेट पे आपका चला जाएगा सीधा ये एलिमेंट में। अब एलिमेंट को आपको जो एलिमेंट यहाँ एलिमेंट को आपको न्यूट्रल देना है और यहां जोड़ देना है, ठीक है दोस्तों, ये आपका जुड़ गया। अब आपको आपके केबल में चार वायर होंगी, एक वायर और पड़ा रहेगा, जैसे कि ये हो गया, ये आपका प्रेस कनेक्शन हो गया। अब प्रेस में स्टीम कहां से आए, प्रेस के अंदर स्टीम कहां से आनी है, तो आपको यहां पे सोलेनॉइड क्वाइल लगी हुई है। इस सोलेनॉइड क्वाइल को हम माइक्रो स्विच से कनेक्ट करेंगे। माइक्रो स्विच में कनेक्ट करने के लिए हम इसको एक यहां से वायर डाला होगा, माइक्रो स्विच को हम यहां कनेक्ट करेंगे और फिर ये सीधा आपका एक पॉइंट यहां बन जाता है, माइक्रो स्विच पे यहां चला जाता है। ये हो गया सोलेनॉइड क्वाइल। अब हमें एक फेस यहां से उठा लेना है, जो आपके पास फेस आएगा हम इस प्रेस से यहीं से इसको कनेक्शन करके यहां पर जोड़ देंगे। इसको दोस्तों फेस मिल गया। अब सोलेनॉइड इसको चलाने के लिए हमें सीधा न्यूट्रल चाहिए, तो न्यूट्रल के लिए हम यहां से सीधा तार डाल देंगे और ये आपका न्यूट्रल बन गया। आप सोलेनॉइड को न्यूट्रल मिल गया, जैसे ही यहां से पुश करोगे न्यूट्रल डायरेक्ट हो गया। अब जैसे यहां से माइक्रो स्विच दबाओगे वैसे आपको फेस मिल जाएगा और ये स्टीम आपके प्रेस को देना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा कनेक्शन हो गया दोस्तों। तो पूरा कंप्लीटेड आपका ये हो गया है। तो फिर से आपको बताना चाहता हूं कि हमारा रामसन वैक्यूम प्रेसिंग टेबल थ्री फेस का है, तो आपको मैं थ्री फेस का कनेक्शन ही बता रहा हूं।
तो थ्री फेस के लगाने के लिए पहले हमें टीपीएन की एमसीवी चाहिए, जिसमें हम तीन फेस और एक न्यूट्रल देते हैं। तीनों फेस निकलकर हमारे तीन फ्यूज कनेक्टर लगे होते हैं, उसमें तीन फ्यूज पे कनेक्शन होता है, न्यूट्रल हमारा एक यहाँ पे कनेक्टर लगा होता है। फिर हम थ्री फेस को तीनों फेस कनेक्टर से आउट करते हैं, जो आउट करने के बाद सीधा हमारा दो फेस आउट होता है। तो यहाँ पे एक रोकर स्विच लगा होता है, रोकर स्विच से जो रोकर स्विच में चार पोल होते हैं, दो पोल पे आपको दो फेस देना है, तो ऊपर वाले दोनों पॉइंट पे दो फेस देना है, नीचे वाले दोनों पॉइंट से निकल के होके आपका एक यहाँ पे दोनों फेस चले जाएंगे। अब उसी फ्यूज से जो आपका फ्यूज लगा वहीं से दो फेस निकल के फ्यूज से जो आउट हो रहा वायर उसी से दो फेस निकल के आपके सीधा कॉन्टेक्टर पे सप्लाई दी जाएगी, और एक फेस हमारा बचा है ब्लू, इसको हम कॉन्टेक्टर को तीनों फेस दे देंगे। अब तीनों फेस देने के बाद कॉन्टेक्टर की हमारी ये मोटर को तीनों फेस सप्लाई चली जाती है। फिर इसको होल्ड करने के लिए, मोटर को ऑन करने के लिए हमें कॉन्टेक्टर को 220 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। 220 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए फिर हम चलेंगे आर वाले फेस पे। जैसे आर वाले फेस पे जाते हैं वहां से एक वायर लाते हैं, यहाँ पे एक लगा होता पैडल स्विच जो हम पांव से दबाते हैं तो हमारा ब्लोवर चलता है, तो उसके यहाँ पे आप कनेक्शन करेंगे पैडल स्विच से, फिर पैडल स्विच से जो आउट होगा वो आपके कॉन्टेक्टर को सप्लाई मिल जाएगा, और एक न्यूट्रल आप जाके जोड़ देंगे तो आपका ये ब्लोवर का काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं आपको हीटर बताता हूँ, जो प्रेसिंग टेबल के अंदर लगा होता है, यहाँ पे हीटर होता है, उस हीटर को एक आप न्यूट्रल देंगे और उसमें एक थर्मोस्टेट लगा होता है। थर्मोस्टेट जो आप वाई फेस से उठाएंगे थर्मोस्टेट पे देंगे, फिर थर्मोस्टेट के दूसरे पॉइंट से होके आपका हीटर का चला जाएगा, ये आपका हीटर काम करना लगेगा। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर आपको पूरा प्रेस का कनेक्शन बताते हैं। प्रेस को चलाने के लिए उसमें चार वायरें होती हैं, एक वायर फेस आता है, एक वायर न्यूट्रल आता है, एक वायर जो सोलेनोइड वाल्व को खोलने के लिए होता है, एक वायर आपका प्रेस का अर्थ होता है। तो आप प्रेस को अर्थ करना बहुत जरूरी है, तो आपको प्रेस को ग्राउंड करना पड़ेगा। आप प्रेस चलाने के लिए हमें फेस और न्यूट्रल, ये आपका न्यूट्रल हो गया फेस वायर, फेस आपका सीधा जाके थर्मोस्टेट पे पहुंचेगा, थर्मोस्टेट से होके आपके एलिमेंट पे पहुंचेगा, फिर एलिमेंट को चलाने के लिए हमें न्यूट्रल चाहिए, तो यहाँ पे न्यूट्रल है। अब हमें ये प्रेस का काम कर, अब प्रेस में स्टीम कहाँ से आए, तो स्टीम चलाने के लिए हमें सोलेनोइड कॉइल एक लगी होती है, वहां पर आपको कनेक्शन देना पड़ेगा। उसको चलाने के लिए सब पहले आपको एक न्यूट्रल जोड़ना पड़ेगा, न्यूट्रल कहीं भी जोड़ ले, जहां पे आपका मर्जी का, यहाँ भी न्यूट्रल जोड़ सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे न्यूट्रल जोड़े। फिर एक आप यही प्रेस से एक फेस उठाएंगे, सीधा माइक्रो स्विच पे देंगे, माइक्रो स्विच से आउट होके आपको सीधा सोलेनोइड वाल्व या क्वाइल पे चला जाएगा। जैसे ही आप इसको दबाएंगे वैसे यहाँ से स्टीम फेंकना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका पूरा वायरिंग मैं बना के बता दिया हूँ और ये पूरा आपका कंप्लीट होगा, तो आप कभी भी इसको भूल नहीं पाएंगे, जितना मैं बता दिया उतना ही कनेक्शन होता है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे बने रहें, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।